सुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। भारत ने मकबूज आबादी को फौजी कैंप में तब्दील कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की कश्मीरी नौजवानों के कत्लेआम की शदीद मसम्मत। डॉक्टर फैसल कहते हैं जाली शादी स्कैंडल पर चीन और पाकिस्तान ने मैरिज ब्यूरोज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिजाई सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी रवान साल शुरू होगी। एयर चीफ का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू, बोले तैयारा जदीद रेडार के साथ अगले बरस तक ऑपरेशनल होगा। नए कस्टाम तामीर केस सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पर बरहम। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को 23 मई को तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड हो गया। सिंध वालों को पानी नहीं चाहिए तो उनकी मर्जी है, ये फिर कहीं गए कि पानी नहीं मिलता तो सॉफ्ट ड्रिंक पी ले। अदालत के रिमार्क्स। ट्रैफिक वार्डन्स अलाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी खजाना पंजाब और CTO तलब। वजारत खजाना के इदाराजाती मामलात पर रिपोर्ट तलब कर ली। CTO ने मराद को तस्लीम किया। 50 अरब की अदायगियां कौन करेगा। अदालत के रिमार्क्स। राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का साबिक SSP मलीर को नजरेसानी अपील। अदालती फैसले के साथ दोबारा दायर करने का हुक्म। बेरोने मुल्क क्यों जाना चाहते हैं, क्या वहां आपका कारोबार है। अदालत का इस्तफसार। समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। कोयटा धमाके का एक और सख्ती दम तोड़ गया। शहादतें 5 हो गई। अब दुश्मनों ने सैटेलाइट टाउन में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया था। लाहौर से खातून समेत 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजमान का दाता दरबार धमाके में मुलविस होने का शुबा। समंदरी के शॉपिंग सेंटर के बाहर बम मिलने का मामले का ड्रॉप सीट। भत्ता देने से इनकार पर प्लाजे के बाहर डमी बम रखा गया। CCTV की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन रजा और तालिब ने 2 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। सदरे कराची की 6 मंजिला इमारत में आतिशजदगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों और स्नार्कल ने कई घंटों की मेहनत से शोलों को ठंडा किया। इमारत में कपड़े के कारखाने और गोदाम थे। लाखों का सामान खाकस्तर हो गया। फैसलाबाद की सेशन कोर्ट का अहाता मैदान जंग में तब्दील। ज्यादती के केस में मुलजिम के वकील और मुतय खातून का झगड़ा हो गया। फरीकैन के एक दूसरे पर थप्पड़ों और जूतों से वार। वकील सुलह के लिए धमका रहा है, खातून का मौकिफ। घटाएं हवाएं और बरसती बूंदे, गर्मी की छुट्टी हो गई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल आज और कल भी वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। ईरान से आए बादलों की बलोचिस्तान में इनिंग्स। कोयटा में मूसलाधार बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। मुस्लिम कश फसादात के बाद श्रीलंका में खौफ के साए बरकरार। तबाह हाल मस्जिद में नमाज की अदायगी। फसादात में दुकानें और इमलाक के जलाए जाने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी परेशान। ईस्टर धमाकों के बाद श्रीलंका में सूरत हाल कशीदा है। शाहीनों का इंग्लिश शेरों से वनडे सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड चौथे वनडे में कल आमने सामने होंगे। कौमी क्रिकेट टीम की जमकर प्रैक्टिस। कल मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के इन एक्शन नजर आने का भी इम्कान है। वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 2 तब्दीलियों का फैसला। आबिद अली की जगह आसिफ और फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद आमिर को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट की सिलेक्शन कमेटी के साथ मुशावरत मुकम्मल। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मतवक्के।
बीजिंग में एशिया की सकाफत के रंगों की बहार, एशियन कल्चरल कार्निवल में बैंड्स की मजबूत गुड परफॉर्मेंस, शानदार लाइट शो ने समा बांध दिया। जैकी चैन समेत मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने शो को चार चांद लगा दिए। एफिल टावर की 130वीं सालगिरह का शानदार जश्न, आयरलैंड लेडी रंगो नूर की बरसात में नहा गई, शानदार लाइट शो ने देखने वालों को महसूर कर दिया। मौसीकी और रोशनी के हसीन इम्तिजाज पर सैयाह झूमते रहे। कांस में फिल्मी मेले की रंगीनियां उरूज पर, ब्राजीली फिल्म का शानदार प्रीमियर, कास्ट ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। कांस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से बेहतरीन फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.saajnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।